वहीं चतरा में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। 10 लाख के नकली शराब के साथ अंतर्राज्य गिरोह के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया। वहीं गांव के एक सुनसान घर में ये अवैध फैक्ट्री जो है वो चलाई जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई से झारखंड बिहार के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से झारखंड बिहार की जो शराब माफिया उसमें हड़कंप मच गया और ये चतरा में जो है पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। 10 लाख के नकली शराब के साथ अंतर्राज्य गिरोह के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वही गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया। ग्राम सालवत में जगलाल गंजू के घर पर नकली शराब बनाया जा रहा है। उस सूचना के सत्यापन एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु एक विशेष छापामारी दल का गठन थाना प्रभारी वशिष्ठ नगर गुलाम सरवर और मेरे नेतृत्व में किया गया। बोतल पाया गया है, काफी और इस पर अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संजय, पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का जो है उद्भेदन किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसे लेकर? देखिए, ये मामला जो है, ये मामला में चतरा एसपी राकेश संजय को गुप्त सूचना मिली थी कि सालवात में जो है अंग्रेजी शराब और जो अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जिसको लेकर के जो हंटर के इंस्पेक्टर से प्रमोद कुमार पांडे और जो वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के से थाना प्रभारी गुलाम सरवर दोनों एक टीम गठित किया। टीम जो है सालवत गांव गई और गांव में जाने के बाद छापामारी की। छापामारी के दौरान जो है मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। उसमें जो है काफी मात्रा में शराब, अंग्रेजी शराब बरामद किया। उसके अलावा जो उपयुक्त होता है स्टिकर को पुलिस ने अधिक किया और करीब 38 बोरा में खाली जो बोतल होता है, खाली बोतल को पुलिस ने बरामद किया है। और उसमें जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक थे आपको लालदेव गंजू और उसके अलावा जो है एक धर्मेंद्र जो राजपुर सरा क्षेत्र के रहने वाले है, उनके पास वहां से गिरफ्तार किया गया। और ये जो शराब था वो शराब जो है बिहार छपाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वक्त पर चतरा एसपी को सूचना मिला और सूचना के दौरान मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।